ਰਾਮਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਰੈੱਡ ਸਿਗਨਲ ਤੇ ਬਾਈਕ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਨਾ ਖਿਲਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਰਡਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕੱਟ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਨੱਸ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਡਾਕੀਆ ਰਾਮੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਈ ਚਲਾਨ ਦੇ ਆਇਆ ਸੀ ਰਾਮੇ ਦੀ ਬੀਵੀ ਕੋਈ ਰੱਜ ਕੇ ਕਪੱਤੀ ਸੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਲੈ ਆਈ ਸੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਉਹ ਰਾਮੇ ਨੂੰ ਉਹ ਗਲਮੇ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਪਿੱਛੇ ਮਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਈ ਸੀ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੈ ਮਿੰਟ ਕਲਾ ਦੇ ਆ ਲਾਲ ਜਿਹੀ ਜੁੱਤੀ ਜ਼ਰਾ ਛਾਪਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲੈ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਲੈ ਆ ਲੈ ਫੜ ਜੁੱਤੀ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਲੈ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਦਬਕੇ ਨਾ ਲਾਓ ਜੀ ਹੀਰੋਇਨ ਹੀਰੋਇਨ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਡਰਾਓ ਜੀ ਭੋਲਾ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਡੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਹਰ ਚਿੱਟੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਫੜਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਾਲ ਵਫਾ ਕਿੰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਰੱਬੇ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਤੇ ਬੱਚੇ ਅਸਾਂ ਪਾਲਨੇ ਨੇ ਰਿਜ਼ਕੇ ਹਲਾਲ ਤੇ अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग सेफ सिटी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट रिमशा अवान और मैं हूं मोहम्मद फाइक नाज़िम पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी में मौजूद पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर रोजाना की बुनियाद पे बहुत सारे वाकयात देखते हैं और बहुत सारे पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर हसास भी होते हैं और अपनी सेंसिटिविटी को पॉजिटिव वे में एक्सप्रेस करने के लिए बिल्कुल वो किसी न किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं कि जो उन्होंने देखा है वो किस तरह वो बयान कर सकते हैं कुछ लोग शायर बन जाते हैं कुछ लोग सिंगर बन जाते हैं और ऐसे ही एक शायर को आज हमें अपने प्रोग्राम में दावत दी है जो कि शायरी बहुत अच्छी करते हैं लेकिन उनकी शायरी में मजाक भी होता है इसके साथ साथ कोई एक अच्छा पैगाम भी होता है जिससे हम सब कुछ ना कुछ सीखते हैं हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं फारूक हैदर उनको प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं फारूक वेरी वेरी वार्म वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम और साथ में मुझे बताइए कि आपने शायरी का आगाज किस तरह से किया जी वालेकुम अस्सलाम लिखने का जो है कि सर अनवर मसूद साहब वो मेरी इंस्पिरेशन थे तो मैंने देखा कि वो एक बड़े खूबसूरत अंदाज में लोगों को एक मैसेज भी छोड़ जाते हैं और उनके जो है लबों पे मुस्कुराहटें भी बिखेर देते हैं तो ऐसे ही कोई दोस्तों में बैठे मैंने भी कुछ चंद ऐसी पोएम लिख दी जिससे दोस्त खुश हुए तो फिर मुझे इंस्पिरेशन मिली कि चलो इस मतलब मैं भी कुछ कर सकता हूँ जी सर क्योंकि आपकी आपकी शायरी की वजह से अगर किसी के लबों पे मुस्कुराहट आ जाए तो इससे बेहतर चीज कोई नहीं होती जी लबों पे मुस्कुराहट आ जाए और एक जो है अच्छा मैसेज जो है वो एक फनी अंदाज से जो है वो आवाम तक चला जाए ठीक है पहली शायरी कब स्टार्ट की कितने अर्से पहले स्टार्ट की और क्या मैसेज देना चाहो शायरी के जरिए पहली जो शायरी थी वो तकरीबन शुरू में जब इधर आए नए नए तो वो उसमें मैसेज ये देना चाहा था कि हमें जो है अपने काम पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए बाज़ दफ़ा हम जो है मजाक में आके या इधर उधर हमारी जो अटेंशन है ना वो डिवर्ट हो जाती है तो ज़रूरी नहीं कि आप अफसराना बाला की जब वो हों मौजूद ऑफिस में तब भी आप अच्छा काम करें आपको जो है उनकी गैर मौजूदगी में भी काम जो है वो अच्छे तरीके से करना चाहिए और माशाल्लाह इस चीज़ को बड़ा पॉजिटिवली लिया गया और उसके बाद जो है परफॉर्मेंस भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बेहतर भी हुई तो फारूक अब तक आपने कितनी शायरी की है कितनी नज़में लिखी हैं और किस तरह की लिख रहे हैं आप नज़म अभी नज़म जो है वो तो हो गई हैं कुछ 10 के करीब हो गई हैं कुछ तो मैंने वो अपलोड भी कर दी हैं चैनल पर तो यूट्यूब चैनल भी है जी जी ओके तो उस पर अपलोड भी कर दिए हैं उसमें ये है कि फिलहाल जो है कि मजाक के अंदाज में कोई मैसेज देने की कोशिश की गई है ठीक है ठीक है और लोग उसको इस तरह जो है अगर आप सीरियस में किसी को अब नसीहत करना शुरू करें तो वो अब मोस्टली लोग इग्नोर करना शुरू कर देते हैं बात को तो ये है कि एक स्टोरी बेस्ड हो थोड़ा सा मजाक के साथ हो तो लोग उसको जरा शौक से सुनते हैं ठीक है यहाँ पे मैं नाज़रीन को बताता चलूँ कि जो आज हम नज़्म सुनेंगे सबसे पहले फारूक से वो होगी ई चलान के हवाले से उसमें एक करेक्टर इंट्रोड्यूस करवाएगा रामा तो रामे को एक वायलेशन की बड़ी आदत थी तो उसका क्या हुआ वो सारा नज़म के अंदाज में आ रामा बंदा तो शरीफ सी पर उन्हें एक ही बीमारी सी रेड सिग्नल ते बाइक उन्हें कदी ना खिलारी सी ते किसे भी वार्डन दे हाथों ना आंदा सी कट कुट मार के ते एवें नस जांदा सी ते नवे होरे पुलिस ने कानून कोई बनाए सी लाहौर दिया सड़कां ते कैमरे चा लाए सी ते एक दिन दसा की बनिया बहाना सी रब होरे उन्नू कोई सबक सिखाना सी ते मुक गई ड्यूटी जदों वज गए 4 सी रामा घर जान नू हो गया त्यार सी ते थोड़ा जिहा
गया अगे बाइक जो चला के, मैडम एक खड़ी सी पेंट शर्ट पा के ते मेकअप सी फुल कीता सोनी मी चंगी सी। अच्छा। इशारा कर रामे कोलो लिफ्ट उन्हें मंगी सी। अच्छा। ते बंदा तो अनु पता है यहो को जी जानता है औरत साथ वेख के ते शोखा हो जानता है। रामे ने भी उसे वेले ब्रेक चा लाई सी बिस्मिल्ला कह के ते पीछे चा बिठाई सी ते जिस वेले मैडम रामे बिठा लई नाल सी रेया ना किसे भी कानून दा ख्याल सी ते बाइक ओदी दो को इशारे कट गई सी कैमरे ने उन्हां दी तस्वीर ला ली सी। ठीक है। ते खैर नाल फिर जदों दूजा दिन आया सी डाकिया रामे घर जा के ई चलान दे आया सी रामे दी बीवी कोई रज के कपत्ती सी घर विच ओह ते तूफान लै आई सी कहन लगी ओ रामे नूं गलमे तो फड़ के दस मैनू कल पिछे मां केड़ी पाई सी ते चंबड़ के बैठी सी क्यों ओ नाल तेरे वाल जी ते खुले सी ते पेंट शर्ट पेंट जी ने पाई सी फड़ के ते मांजा उस रामे नूं सी कुटिया कढ के चलान फिर अगे ओदे सुटिया अपने तू काले करतूत वेख लै अल्लाह फड़ मौके ते सबूत वेख लै। ठीक है। अच्छा फारूक, ये जो आपने नज़्म लिखी ये चलान के हवाले से, बहुत सारे आप वाकयात भी देखते हैं, तो कोई ऐसा वाकया आपने देखा उसके बाद आप लिखते हैं इस तरह की नज़्में या वैसे खुद से सोचते हैं? ये तो मेरी सोच है, अगर वैसे वाकयात भी हुए अगर हुए हैं तो वो इत्तफाक हो सकता है, लेकिन किसी वाक्य को देख के या किसी से इंस्पायर होकर नहीं लिखी गई। क्या आप सिर्फ पुलिस पे नज़्में लिखते हैं या कोई और भी टॉपिक आपके पास है जिसपे आप लिखते हैं? देखें कि जब हम एज ए इंसान सोसाइटी में रहते हैं तो सोसाइटी के मुख्तलिफ जो पहलू हैं वो हमारे सामने आते रहते हैं, तो जो है इसके अलावा जो करंट इश्यूज़ होते हैं वो भी हमारे सामने आते हैं। तो अभी पुलिस के हवाले से भी लिखी, पुलिस और नशई लिखी, और बहुत सारे लोगों ने, मैं इस बात पे हैरान था कि कई पब्लिक के बड़े अच्छे कमेंट्स थे। अच्छा। जिनका पुलिस से दूर दूर तक कोई तल्लुक नहीं, उन्होंने भी उस चीज़ को अप्रिशिएट किया कि वाकई अगर जो है पुलिस की कुर्बानियां भी हमारे लिए बहुत ज्यादा हैं। इक्का दुक्का वाकयात, उसमें भी यही हमने थीम दिया कि इक्का दुक्का वाकयात को बेस बना के पूरा जो महकमा है उस पे आप इल्जाम तराशी से जरा गुरेज करें, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है। ये बात सुनिए, आप लिखते कब है? मतलब ड्यूटी तो इतनी सख्त होती है, आपने फिर सोना भी होता है, फिर आप हॉस्टल रहते हैं, वो भी मैनेज करना, तो फिर ये टाइम कब मिल जाता है? ये जो आपने कहा ना आप हॉस्टल रहते हैं, तो ये समझ लें कि वो हॉस्टल में जो है ना वो लिखने में। अच्छा। क्योंकि उसके अलावा मेरे पास जो है और इधर ड्यूटी से जाके जो टाइम फारग होता है वो करने के लिए कुछ नहीं होता था। अच्छा। तो कहते हैं कि जो है खाली दिमाग जो शैतान का घर बन ये शायर का घर बन गया। तो ये है कि फिर मैंने कहा कि कोई इंसान जितना खुद को मसरूफ रखेगा तो फिर वो इधर उधर की चीजों में या किसी के और के काम में, बिल्कुल दूसरों के कामों में इंटरेस्ट नहीं लेता, टांग नहीं है सॉरी टांग नहीं हटाता। और दूसरा ये है कि अपनी जो है वो माशरे की ऑब्जर्वेशन जो होती है ना कि आप ऑब्जर्व चीज़ों को ज़्यादा अच्छा। ठीक है। फारूक, ऑफ एयर हम बात कर रहे थे, एक बड़ा ही अच्छा पहलू जो मैं जिक्र करना चाहूँगा यहाँ पे, आपने ख्वातीन के ऊपर एक नज़्म लिखी जो मैं यहाँ पे सुनना चाहूँगा और मुझे बहुत मज़ा आया, नाज़रीन आपको भी सुनाते हैं। फारूक वो बताएं हमें ज़रा कि जो दो ख्वातीन जब शॉपिंग करने जाती हैं तो क्या करती हैं, उस हवाले से आप मुझे सुना रहे थे, उस वक्त मुझे बड़ा मजा आया, मैंने कहा मैं ऑन एयर भी जरूर सुनूंगा। तो वैसे भी फारूक फाइक को ऐसी नज़्में जहाँ पे बहुत पसंद है, ख्वातीन के बारे में बताया जाए इतनी पसंद है ना, बस वो ईद के दिनों में ना शॉपिंग पे बहुत ज्यादा रश होता है। तो वो मेरा एक दोस्त ऐसे, उसके साथ बात हो रही थी तो कहता है कि ये, मैंने कहा कि आप लोगों की मौजों, कहता मौजें कहाँ होती हैं यहाँ पे, जो है ना कई दफ़ा ऐसे फड्डे शुरू हो जाते हैं। तो मैंने कहा किस किस्म के फड्डे होते हैं? तो उसने ऐसे कहा, उसने कहा आपने कभी ऑब्जर्व नहीं किया? मैंने कहा हाँ ये चीज़ तो मैंने भी नोट की है। तो उस पर हमने लिखी कि जो मोस्टली जो ख़वातीन का बिहेवियर होता है ना, ये बड़ा गैर मुतगैर सा होता है, ये मुस्तकिल मिजाजी, एक दम से जो है वो कई दफ़ा चपले शुरू हो जाती है और थोड़ी देर बाद ही वो जो है ना आपस में सुलह, और ये अच्छी बात है, सुलह बहुत जल्दी करनी चाहिए। तो ये दो ख़वातीन की स्टोरी है, वो जो शॉपिंग कर रही थी, अब खैर से दोनों को जूता जो है जुत्ती पंजाबी का वो एक ही पसंद आ जाती है। तो पहली खतून जो है वो दुकानदार से कहती है भाई मैनू जल्दी है, मिनट एक ला दे आ लाल जी जुत्ती जरा शापर विच पा दे। अब दूसरी वो उसी जूते को देख रही है, वो उसको पहली औरत को दूसरी जवाब क्या देती होती है, ठहर जानी मैडम बड़ी तेजी पर बहानी है, पसंद जो आई मैनू ओह लई जानी है, दो घंटे ला के मैं सूट नाल रलाई है, एहो जुत्ती वेख तेनू जल्दी याद आई है।
ते शुदी मेनू वे है मैं करी जावे तक्का नहीं केड़ी गलों ला ले मेरे नाल मुतक्का नहीं। अब उसने जब ये अल्फाज यूज किए हैं तो दूसरी औरत को ये बात बुरी लगी है कि मैं बात कर रही हूँ, ये डायलॉग्स शुरू हो गए ना मुकालमा। अब वो पहली औरत उसको जवाब में क्या कहती है, माँ प्यो सिखाया कोई सलीका भी तो हुंदा है, बीबी गल करन दा तरीका भी कोई हुंदा है, ते तेरे जिहियां सौगातां दस मूँह किन्ने लानियां, तेरे जिहियां घर असीं रखीए नौकरानियां, ते की तेनू लभे कलेजा एवें साड़ के पै गई है मैनू तू एवें मूँह पाड़ के, ते मेरे वालों एक लै भावें तू हजार लै अल्ला फड़ जुत्ती इनू सिर विच मार ले। क्या बात ये बड़ा अच्छा जवाब दिया उसने। ये शब्द ये हकीकत है, ये बिल्कुल है। आप शॉपिंग करने जाती होंगी डेफिनेटली तो ऐसा वहाँ पे होता है। और ऐसा भी होता है फारूक कि आप किसी से कॉल, अगर ठीक है एक चीज पसंद आ गई है कुछ हो गई है, इसके अलावा भी जब हम अमूमन आपस में बात कर रहे होते हैं तो एक एक बात जो है वो आराम से भी बताई जा सकती है, वही बात जो है वो बदतमीजी से भी बता सकते हैं। बिल्कुल आप अपना आप ही शो कर रहे होते हैं, अगले का इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। जिस तरह आपने कहा कि तुम अपना आप ही बता रही हो, मुझे तो इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ा, तो जो करने करो। तो ये बड़ी अच्छे अंदाज में आपने बताया। आप पंजाबी में ही पोइट्री करते हैं सारी? जी मोस्टली पंजाबी। फारूक अभी आप मुझे बता रहे थे वो एक आपने नज्म लिखी थी पुलिस के हवाले से, वो सुनाइए हमें। पुलिस की जो नज्म ये थी, ये एक रियलिटी बेस्ड सच्चा वाक्य है। अच्छा। ये असल में हुआ। वो एक दोस्त ने उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे हुआ, तो मैंने उसको थोड़ा सा मजाक अंदाज में लिखने की कोशिश की कि अब ये एक मुकालमा है एक पुलिस वाले के दरमियान और एक निशैया। अब उसका सारा वो सिनेरियो बना के दोनों की जो थाट्स हैं ना वो आवाम तक पहुँचाइया, और नज़म का नाम है पुलिस और निशाई। अच्छा। ओके। जुलाई का दिन सी, सख्त गर्मी, जब सख्त गर्मी ठीक है, जुलाई का दिन सी ते शिकर दोपहर सी, तपी हुई जमीन सी, थले लगदा ना पैर सी, ते सूरज पूरे कहर नाल गर्मी पिया वसांदा सी, जहाज एक जहाज वांगू बाइक पिया उड़ांदा सी। हीरवन दा पैकेट एक जेब विच पा के बाइक ते बैठा सी, सूटा छोटा ला के, ते होर नेड़े तेड़े कोई दिसदा ना उत्थे सी, बस दो पुलिस वाले नाके ते खलोते सी। अच्छा वाह। ते सही दसा वीरो वेखन वाला नजारा सी। अच्छा। निशाई उन्हें रोकिया करके इशारा सी, ते रब जाने उन्होंने सोच केड़ी आई सी, जहाज की परवाज नू ब्रेक चलवाई सी। ते सामने जो आया वो नशियां दा मारिया, बड़ा औखा होके मोटरसाइकिल सी खिला रहा, ते दुआ चो सिपाही एक कोल ओदे गया सी, ते हाथ पा के जेब विचों पैकेट कर लिया सी। अब पुलिस वाला उसको कहता है, हीरवन लकोई हुई है जेब च शहजादे ने, वो सही गल कर तेरे किदे दे इरादे ने, कितों तू लै के ये जेब विच पाई है, हुण कित्थे जा के तू करनी सप्लाई है। अब निशाई जो वो एकदम से पैंतड़ा बदल जाता है और कहता है, शरीफ जिहा बंदा मैं, एवें दबके ना लाओ जी, हीरवन हीरवन कह के ते एवें ना डराओ जी, भोला बंदा वेख तुसीं एवें डक लैंदे हो, हर चिट्टी शह नूं ही नशा कही जांदे हो, ते झूठी गल किसे दे भी मूँह ते नहीं फबदी, मैनू तो यह किधरों हीरवन नहीं लग रही। अच्छा। अब पुलिस वाले जो है कह रहे हैं उसको इस बात का जवाब क्या देते, कहते हैं तेरे वर्ग ड्रामेबाज कई इतने आते हैं, जदों फड़े जान फिर नेक बन जाते हैं, तो कन्ना उत्ते तेरे जदों चपेड़ एक वजेगी फिर तेनों आपे वेखी हीरवन लगेगी। अब निशाई अब उसको दोबारा जो है नया बहाना करता है, कहता लगता जी अज फिर मैनू खाधी पीती चढ़ गई, पता ही नहीं लगा है कदों जेब विच वड़ गई, ते जां फिर अज मैं ही कोई गलती जे खा लई, लून दे भुलेखे नमक लून दे भुलेखे जेब विच पा ले। अच्छा। तो वो पुलिस वाला अब उसको कहता है, सफेद होती है ना, वो उसको कहता कि बहाना मैनू पता है, तू नवा कढ लेना है, होर थोड़ी देर नू तू आटा इनू कहना है, डंडा बस पी रे तेरे जे इंसान लई, असी इत्थे खड़े आ भुलेखा तेरा लैन लई, ते बिठा के तेनू बाइक ते थाने लै जाने आ, नाले उत्थे जाके तेरी खादी पीती लाने आ। किड्डे तुसी चंगे हो, सियाने वी अखीर हो, प्यार नाल गल सुनो, तुसी वड्डे वीर हो, ते मुक्की हुई गल नू एवें ना वधाओ जी, कुछ लै दे के गल इत्थे ही मुकाओ जी, ते एलो फड़ो पैसे कुछ, एलो फड़ो पैसे अज रोटी शोटी खाया जे, नाले घर बालां जोगा फ्रूट लै जाया जे। अब जब उसने कहा कि ये पैसे ले लो और बच्चों के लिए फ्रूट लेके जाना, तो वो कह
पुलिस वाले उसको इसका क्या जवाब देते हैं, कहते हैं तेरे को आज पैसे असी फड़ांगे, अपनी ड्यूटी नाल वफा किंज करांगे, ते भरोसा रख बैठे हैं रब्बे जुल जलाल ते, बच्चे असा पालने ने रिज़्क़े हलाल ते, अब निशई अब आगे उन पे अटैक करेगा, काउंटर अटैक। वो कहता है किहो जिहियां गल्लां तुसीं भाई कर रहे हो, दसो जरा किदन दे हाजी बन गए हो, थाने मैनू खड़ोगे तुहाडे हथ ना को जाना है, पैसे उत्ते दे के ते मैं छुट जाना है, भरोसा नहीं कोई करदा तुहाडी जबान दा, पुलिस पैसे खांदी है जग सारा जानदा। अब ये जो बात उसने की है पुलिस वालों को, जो इतनी दोपहर में ड्यूटी भी कर रहे हैं, रिश्वत भी नहीं ले रहे, वो उनकी तबीयत पे अब उनको ये बात ग्राम गुजरी है। अब वो कह वो पुलिस वाला उसको फाइनल जवाब दे रहा, वो कहना चुप होए तेनू असी रल दोवें कुटांगे, गल कीती ते जबान खिच सुटांगे, अपने काले करतूत लोकां तो छुपाण लई पुलिस ते अवाम विच फासले वधाण लई तेरे जे डिफाल्टर आ कहानी ये बनाई है, पुलिस बारे अवाम विच अफवाह फैलाई है, ते जिवें जग ते अच्छाई ते बुराई दा वजूद है, चंगा माड़ा बंदा हर थां ते मौजूद है, मतलब अपना हासिल करन दे वास्ते अवाम विच मयूसियां फैलाना गल ठीक नहीं, मिसाल दो चार काली भेड़ा दी दे के इल्जाम सारे महकमे ते लाना गल ठीक नहीं, दो लख ने जो अवाम लई ड्यूटी कर रहे ने, 1500 दे करीब ने जो शहीद हो गए ने, नाल चोरा डाकुआं दे रहिंदे असी लड़दे, रातां नूं वी जा के ड्यूटियां वा करदे, अवाम खातर कट लैंदे सब इखवारियां, ईदां ते शबरातां कदे घर ने गुजारियां, दहशतगर्दी दे हमले कई साडे उत्ते होए ने, जहद महमूद गोंदल जे अफसर असां खोए ने, लड़े पूरे दिल नाल हौसला नहीं हारिया, शेर कैप्टन मुबीन जे अवाम उत्तों वारिया, ते ज़ियाउल्लाह खां सियालकोट के पुलिस मुकाबले में शहीद हो, ज़ियाउल्लाह खान सानू हाली तक याद है, भुलिया ना फिदा हुसैन ना आदल शमशाद, और दिल उत्ते जो जख्म लगे किवें ओ गनाइए जी, शहीद ना लै लै के दिल ते जो जख्म लगे किवें ओ वहाइए जी, शहीद ना लै लै के किन्ने कु गनाइए जी, दुश्मना दे वार असा हिक उत्ते झले ने, जवान साडे कई गए मना मिट्टी थले ने, ते गल्लां ओ दसियां जो असल विच बीतियां, नाल असा आवाम दे वफावां इंज कीती। वाह बहुत खूब फारूक, बहुत खूब। इसके साथ साथ आपने ट्रिब्यूट पेश किया पंजाब पुलिस के शहदा को भी, और साथ में आपने एक मैसेज भी दिया कि पंजाब पुलिस जो इस वक्त है ईमानदारी के साथ काम कर रही है, बहुत खूब, बहुत अच्छी नज़म थी फारूक। इसके साथ साथ आपने अपने यूट्यूब चैनल के बारे में भी बताया, और आपने बताया कि ये जो नज़म आपने हमें सुनाई है ये कुछ कुछ इसमें से अशार थे, और बताएं हमें उस चैनल के बारे में, क्या है आपके चैनल का नाम? जी फारूक हैदर चट्ठा, मैंने एक चैनल बनाया हुआ है। अच्छा। उस पे ये सारी पोएम्स हैं और करंट अफेयर के हवाले से, जैसे वो ट्रेंडिंग इश्यूज चल रहे हैं आजकल दुनिया में क्या हो रहा है, उसके हवाले से भी जो है ना वो आपकी नज़में हैं, नज़में जो हैं वो उस पे रखी हुई हैं। ये जो नज़में हैं ये इनमें से कुछ जो है आपको वो बिल्कुल थोड़ी सी इब्तिदा वगैरह सुनाई, वो सारी कम्प्लीट उस पे हैं। उसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक लिखी, क्योंकि एज ए मुस्लिम और हमारा इससे बढ़ के क्या सआदत हो सकती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, हम लिख तो नहीं सकते, वो अल्लाह हमसे लिखवा ले। तो उसके अलावा हमद, इस तरह की वो सारी जो है वो पंजाबी के हवाले से ही है, शायरी तो वो सारी वहाँ पे लिखी है। थैंक यू सो मच फारूक, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और यही हम दुआ करते हैं कि इसी तरह की अच्छी अच्छी नज़में लिखते रहें आप, ताकि लोग मुस्कुराते रहें और आपके जो पैगाम आप पहुँचाना चाह रहे हैं वो आवाम तक पहुँच सकें। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे फारूक, और अब हमें चाहिए इजाज़त रिमशा। हाँ जी, और बिल्कुल जाते जाते आपने क्या करना है, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना है, फेसबुक पे हमें फॉलो करना है, इसके अलावा आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। सेफ रहें, सेफ सिटी के साथ, अल्लाह हाफिज़।